गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। दरअसल सांसद केपी यादव ने पत्र के माध्यम से बताया कि वे पीएम की सभा से लौट रहे थे, तभी उनके काफिले का बाइक सवार पीछा कर रहे थे। इस बीच सांसद के सुरक्षा कर्मियों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। डॉक्टर केपी यादव ने बाइक सवार के पास हथियार होने की भी आशंका जताई थी। इस पूरी घटना को लेकर सांसद डॉक्टर केपी यादव ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। डॉक्टर केपी यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित आईईजी एसपी अशोक नगर एसपी को भी पत्र की प्रति भेजा है। सांसद की शिकायत पर पुलिस ने शिवपुरी निवासी आरोपी पहचान पवन यादव के रूप में की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कारण बता पाएंगे वो तो, क्योंकि ड्रिंक ही हुआ था, उसका मेडिकल भी हुआ है, तो कई तरह की धमकियां और कई तरह के अनर्गल शब्द वो प्रयोग कर रहा था। पर मेरा एसपी साहब से भी यही रिक्वेस्ट थी कि उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो व्यक्ति कौन था, किससे जुड़ा है, किस मंशा से वो आया था। और इस तरह की हरकत, जब फॉलो गाड़ी साथ में चल रही है, सुरक्षाकर्मी साथ में है, उसके बाद भी अगर 15-20 किलोमीटर तक पीछा करना, परेशान करना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा कि कहीं कोई ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं, तो इसकी जांच होनी चाहिए।